जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैं कल घर आ गई थी, तो सीढ़ी ऊपर चढ़ के आना था थोड़ा सा ना, मतलब कल रात को, मतलब कि बहुत सारी सीढ़ियां हैं, 10-12 भी नहीं, कम से कम 15-16 सीढ़ियां चढ़ के आई। वैसे सोचा तो नहीं आऊँगी, अब नीचे तभी जाऊँगी जब डॉक्टर के यहाँ जाऊँगी, इसलिए वहाँ से एक बार डॉक्टर के यहाँ आई हूँ। और कब तक रहती मैं वहाँ पे? और मैं बता दूँ, कुछ बातें मुझे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँचा रही थी इसलिए। और वो ये बातें हैं कि आपको मैंने उनकी चैट भी लीक की हुई थी, एंड वो बोल रहे थे देव के पेपर स्टार्ट हो गए हैं। तो हालांकि वो छोटा है ना, पर एक्चुअली मेरे हस्बैंड से इंग्लिश नहीं आती, तो बोले आती थोड़ा सा वो होगा, इस वजह से मैं आ गई थी। और मैंने खाने पीने की बना तो ले रहे थे वो, आप लोगों से उन्होंने बताया कि नहीं बताया? एक्चुअली पता है, मैं आप लोग को बता दूं कि वो कच्ची कच्ची रोटी बना रहे थे, मुझे दिखा रहे थे, कहते वैसे तो मैं सेक लेता हूँ, मोटी रोटी बना रहे थे पर वो कच्ची दिख रही थी। और मैंने कहा आपने वीडियो में क्यों नहीं बताया, मैं तो वीडियो देख लेती। बोलते सारे लोग हंसते इसलिए मैंने नहीं बताया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो रोटी उनसे सेकते तो आ जाती है पर बेचते नहीं आती है। और अभी ये बेल्ट मुझे उतारने के लिए डॉक्टर ने मना किया है, पर जब हम गए थे ना उसी दिन डॉक्टर ने बोला है, जैसे मैंने उनको बताया था कि मैं मंदिर गई थी, तो वो बोल रहे थे आप कहीं भी जाओ पर आपको ये बेल्ट नहीं उतारना है अभी। और मुझे मतलब कहना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा आराम लग रहा है, पर जैसे बेल्ट उतारती हूँ और बेल्ट उतार के चलने की कोशिश करती हूँ ना, तो लहकता है। और ये लगाती हूँ तो इससे काफ़ी सपोर्ट है, क्योंकि ये टाइट है ये देखो। और यहाँ पे ना दो ऐसे रिबन लगाए, वो दो कीले से लगाए गए हैं, उसे सपोर्ट पड़ेगा, उन्होंने यही कहा। मुझे नहीं पता आप तक मेरी बात पहुंच पा रही कि नहीं पहुंच पा रही है। और वैसे तो मैं बैठ के बात कर सकती हूँ, और अभी है ना सुबह सुबह का टाइम है, करीब 8 या 9 बज रहे होंगे। तो 9 बजे से देव का स्कूल था, उसके एग्ज़ाम चालू 4 तारीख से हो गए थे। देखो बोलते बोलते भी ना मुझे हाँपी आने लगती, और सिर्फ देखो मेरे पीछे वो सो रहा है, उसको लेटे लेटे मैंने फिट करा दिया था, सेरेलैक्स वगैरह खिला दिया था जो उसकी ज़रूरत थी, ऐसे धीरे धीरे मैंने तेल लगा दिया था, लेटे लेटे ही तेल लगा दिया था। और अभी चलिए फिर उसके बाद हमने कहा आप लोगों से थोड़ा सा मिल लें, उसके बाद फिर हम देखते हैं कब मिल पाते हैं आप लोगों से, कब नहीं मिल पाते हैं। और बादल वाला मौसम है तो मेरे टांके भी जो स्टिच हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा दुखते, ऐसे लहकते टाइप के हैं। तो फिर उसमें मैंने गरम पट्टी की सिकाई की थी। तो आप लोग बताना क्या ये हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, वैसे मुझे पता नहीं है, पर उस पर गर्म चीज़ की किसी चीज़ की सिकाई करूँ ना टाँकों पे तो काफ़ी आराम मिल रहा है। मैं टाँकों पे सिक अब और बात नहीं करूँगी वरना शिव उठ जाएगा, शिव उठेगा। अभी जा रही हूँ खैर दवाइयाँ खाने, और दवाइयाँ ही 5 दिन की, और तो उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, है ना? बाय बाय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आज मेरा ब्लॉग आज भी नहीं आता पर डालना ज़रूरी था। कुछ फैसले भी हैं जो कि मुझे मेरे लिए लेना आसान नहीं था, और मेरा घर ना पूरा तहस नहस हो गया है। अभी मैं आप लोगों को आगे के ब्लॉग में दिखाऊंगी, आप लोग खुद ही कहेंगे। मतलब कहना चाहिए अन्न में कीड़े नहीं लगते हैं, पर इतना ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा वाला घर तहस नहस हुआ है। तो यहाँ पे मैं ना अभी मेडिसिन खा रही हूँ। मेरी मेडिसिन वैसे तो उन्होंने 20 डेज़ की लिखी थी, और जो भी केमिकल वो मतलब ज़्यादा जल्दी जो पावर वाली रहती है ना, कम पावर वाली, वो और भी महंगी आती हैं। तो फिर मेरे यहाँ पे 2-3 दिन की और रह गई थी, तो मैंने कहा एक बारी मैं उनको और दिखा दूँगी, उसके बाद वहीं से लेकर आऊँगी। अच्छा, तो मैं आप लोग को यही बता रही थी, और मैं आप लोग को यही बता दूँ कि अभी ये नेक्स्ट डे का डे है, मतलब जिस दिन मैं आई थी उस दिन मैं सीढ़ी चढ़ ली थी ना, एक्चुअली मुझे वॉकर लेकर सीढ़ी चढ़नी थी, वो जो वॉकर नहीं आती है जिससे वो चढ़ते वो, क्योंकि लोड अभी नहीं रखना था। पर फिर भी मैं बैठ बैठ के धीरे धीरे ऐसे, और फिर मैं चढ़ी हूँ, तो मुश्किल 15-20 मिनट तो मुझे चढ़ने में ही लग गया था। और कल इसलिए फिर मैंने पूरा दिन रेस्ट किया था, कुछ नहीं किया था। उठ बैठ तो सकती हूँ थोड़ा सा, अपने लिए ये सब तो कर ही सकती हूँ। बेल्ट मैंने अभी भी नहीं उतारा था, और शिव मेरे बाजू में सो रहा था। अच्छा, उसके बाद ना फिर उसके बाद मैं अंदर आ गई थी। एक्चुअली पानी वाला मौसम है, पानी ना बंद ही नहीं हो रहा है, तो
तो फिर मैं अंदर आ गई थी और शिप को यहाँ पे खिला रही हूँ। थोड़ा सा बैठी थी, थोड़ा सा खड़ी हुई थी। और अच्छा, मैं आप लोग को बता दूँ, आप लोग बोल रहे थे आरती प्लीज़ आप कोई भी काम मत कीजिएगा, लोड मत लीजिएगा, तो जी नहीं, बिल्कुल भी मैं नहीं लूँगी, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है मैंने पहले ही इतनी बड़ी लापरवाही कर चुकी है, अब मुझे लापरवाही नहीं करना। और मेरा फैसला ये है कि अब मैं प्रॉपर पूरा रेस्ट करूँगी, है ना। और ये सबसे बड़ा मेरा ये है, क्योंकि आप सोचेंगे आरती ठीक दिख रही है, पर मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी ठीक, क्योंकि आपको पता है मैं लेटे और बैठने वालों में से हूँ ही नहीं। मुझे ये लगता है कि मैं अच्छी अच्छी चीज़ आप लोगों को दिखाऊं, पर अब क्या करें, हालात ही जब मेरे ऐसे हैं, तो अभी तो जितना होगा मैं उससे उतना करूँगी। मैं सोचा था मैंने आज ब्लॉग नहीं डालूंगी, पर मैं नहीं, ऐसा मैं नहीं करूँगी। और मैं आप लोग को ये बता दूं कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं मुझे। आप लोग बोलते हैं आरती जब तक आपका वीडियो नहीं देखते तो हमें अधूरा अधूरा लगता है पूरा दिन, है ना। तो कई लोग के पिछले वीडियो में कमेंट्स आए थे, सो इसलिए मेरे को डालना ज़रूरी था। और मैं आप लोग को ये भी बता दूँ कि बीच बीच में रोक के बात कर रही हूँ, क्योंकि एक तरफ से भी मेरे पास लेटा हुआ है और मैं आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ। अभी क्या है कि जैसे कि आपको मैं बता दूँ, ट्रांसप्लांट के समय भी ना मेरा इतना ज़्यादा रेस्ट नहीं हुआ था, हुआ था पर नहीं हुआ था। डिलीवरी के समय भी आपको पता है, मतलब मुझे कभी रेस्ट मिला ही नहीं, हो सकता इस वजह से मेरा कच्चा शरीर हो। और क्योंकि आपको पता है डिलीवरी को अभी 7 महीने हुए हैं ना, तो कच्चा शरीर है। और आपने स्वयं देखा है, मैं बड़ी बड़ी बातें क्या करूँगी, आपने खुद देखा है जब मैं मतलब रही ट्रांसप्लांट के समय से ही आप लोग जुड़े हुए हैं। तो अभी मैंने सोचा है कि मैं रेस्ट करूँगी और यही मेरा फैसला है। और यहाँ पे देखिए मेरी पूरी मेडिसिन ख़त्म हो गई है, अब इसको जाएंगे और देखो इतनी सारी गोली खा चुकी मैंने, मुझे खुद भी अचंभा हो रहा था। मुझे ना गोलियाँ खाने में बड़ा डर लगता है, सच में बहुत 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 डर। अब देखो ये रोटियां दिखा रही है, मैं रोटियों की हालत देखो, कितनी बुरी बदबू आई थी सच में। जब भी मैंने ये डिब्बा खोला था ना, आप लोग को मैं बता रही हूँ, ये देखो, ये जब से मैं गई थी ना, मतलब 8 दिन हो गए, 8-9 दिन हो गए, ऐसी ही रोटियां रखी थी। मैंने इनसे बोला कि तुमने देखा नहीं, बोला नहीं, मैं सेकता था और तुरंत खा लेता था, मुझे डिब्बे में रखने की आदत ही नहीं है, उतनी ही सेकता था उतनी ही खा लेता था, मेरे को बासी तो खानी नहीं थी। तो मैंने कहा अरे तो देखना तो था, मैंने कहा तुमको स्मेल नहीं आती, बोलते मैं अंदर रहता ही नहीं था किचन में, सीधे खाना बनाया और खाना बनाने के बाद बर्तन धुला और फिर सीधे बाहर ही रहता था। चाय बनाई थी, बोल रहे थे आज ही चाय बनाई थी, तुम लोग को लेने आना था, पानी गिर था इसलिए, वरना मैं चाय भी नहीं पीता था। नाश्ता तो मैं करता नहीं था कि चीज़ों को यहाँ से वहाँ देखूँ, तो ये ना बड़ी लापरवाही हो गई। और अब देखो ये मेरे घर का भी थोड़ा बहुत हाल आप देख सकते हो, और पिछली वीडियो में जाके देखो, ऐसा मेरा घर तो आपने कभी भी नहीं देखा होगा, है ना। कहीं चीज़ें कहीं रखी हैं, कहीं चीज़ें कहीं रखी हैं। तो अभी मैं धीरे धीरे चल के आई हूँ, मैंने कहा नहीं मैं देखूंगी। और औरतें होती है ना, औरतों का काम औरतों से ही होता है। हाल मैं आपको बताती हूँ ना, तो ये तो देखो, ये आटा तो खैर ख़त्म था, ना ख़त्म था, ये देखो ये 5 किलो वाली है। और इसके अम्मी कीड़े बता देती हूँ, ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं आपको कीड़े, थोड़ा सा आटा था पर मैं तो इसके नहीं वो कर सकती यूज। और ये पता है और थोड़ा आटा था, तो छान छान के हमने किसी को दे दिया, मतलब एक जन आए थे उनको दे दिया। अब इतना ये बचा है, ये देखो इसमें ही कीड़े चल रहे हैं, वो वाले होते हैं ना ये, और ये रहता है घर में ना रहने से। और पूरी चीज़ें खराब हो गई, जैसे कि ये देखो, ये इसमें छेदा छेदा दिख रहा है ना, ये देखो ये ऐसे जाला पड़ गया, ये देखो ये देखो ये जाला। अब इसको मैं धुलूंगी जब फ्री होंगी, और इसको अभी हम बाहर ही रख देते हैं और इसको लगा देते हैं ढक्कन। साथ ही यहाँ पे ये रखा है गेहूं, बिना बिनाए रखा था, कोई पिसवाने वाला ही नहीं था। एक मिनट पहले मैं अच्छे से बैठ जाऊं और आप लोगों से बातें करूं। अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं,
कहते हैं ना, वक्त हालात हमारे चाहे कैसे भी हो, पर जो हमारा काम होता है वो नहीं रुकता है। और आप मेरी बोलने की आवाज में नहीं, बैठे रहने दो, बोलने की आवाज में भी आपको मेरा बहुत फर्क नजर आ रहा होगा कि आरती की अभी क्या सिचुएशन है। और यहाँ पे से वो हमारे साथ बैठा हुआ तो मेरे यहाँ पे कुछ विंटर के हिसाब से मैंने वो मंगवाया हुआ था अपने लिए, जैसे शॉल वगैरह मंगाई थी। तो जैसे कि आपको पता था, ऐसे जब मैं ठीक थी तब तो मैं आपको बढ़िया पहन पहन के जैसा भी होता था वैसे बता पाती थी, पर आज अब मेरी स्थिति ये नहीं है कि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ, पर जैसे भी है बताना चाहती हूँ। एंड मैंने कुछ अपने पिताजी के लिए भी लिया है, वो भी बताना चाहती हूँ। देव वहाँ पे सो रहा है, सिर्फ मेरे पास है। और अभी ये ना, ये थोड़ा सा गद्दी टाइप का, तो यहाँ पे हम लेट जाते हैं। यानी मेरे पीछे देखो एक तकिया रखी हुई है। हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसे आ जाओ यहाँ पे, क्योंकि जो मेरे को करना है मुझे पता है आपको भी करना है ना। नहीं रहन दो, रहन दो, रहन दो। नहीं ना, देख लूंगी, बैठा तो परेशान थोड़ी कर रहा। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना ये स्टॉल मंगाया था, और ये ना ये फ्रोजी कलर का, इसके पहले तो मैंने आप लोगों को स्वेटर बताई थी, और अभी ये विंटर के हिसाब से स्टॉल है, शॉल नहीं है, स्टॉल है ये, देखिए ये। और इसका बहुत सुंदर कलर है, इसकी लेंथ काफी अच्छी है। अगर मैं सारे इसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये मैंने इस हिसाब से लिया था, ये देखो ये फ्रोजी कलर है, है ना। तो ये देखो ये है, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर लेती हूँ। बोलने की बिल्कुल भी इतनी सी भी हिम्मत नहीं बची है, पर काम में करना होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतना काम ले लिया है ना। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट मैंने ये अपने पिताजी के लिए ये जैकेट मंगाई है। होप करती हूँ कि मेरे पिताजी भी ये वीडियो देख रहे होंगे। तो ये मैंने ग्रे कलर की जैकेट मंगाई, ये ना पैरा सूट होता है ना उसके कपड़े की। ये आपको दिखने में तो पतली लग रही है, बट ये बहुत ज़्यादा गर्माती है। जैसे कि हमारे पास कई स्वेटर होती है ना जो दिखने में एकदम पतली होती है, बहुत ज़्यादा गर्माती हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो हैवी जैकेट रहती है वो उतना ही ठंडाती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है उनके लिए ये ग्रे कलर, और मैंने ये अपने पिताजी के लिए लिया है ना। यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर से पॉकेट्स दिए हैं, अब देखते हैं उनको ये कैसा लगता है कैसा नहीं लगता है। ये ग्रे कलर है, इसमें टोपा भी है, उसके बहुत सारे कलर थे और अभी ऑफर चल रहे थे इसलिए मुझे ये काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल गई, वरना इसका प्राइस है 2115 रुपये। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूँ, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी लेंथ है, काफ़ी अच्छा कपड़ा क्वालिटी है। इसी का मैंने अपने हस्बैंड के लिए पिछले साल मंगाया था, जो कि अभी तक चल रहा, गर्माती है वो, है ना, साथ ही रखते जाती हूँ। और अगर मैं ठीक रहती तो आप लोगों को बढ़िया से पहन पहन के इन सब का रिव्यू देती। अच्छा, ये नेक्स्ट मैंने ये अपने लिए सूट मंगवाया है, जो कि ऑरेंज कलर इसका है, कपड़ा क्वालिटी बहुत अच्छा है। और ये मैं आप लोग को बता दूं, ये ना मुझे इस तरीके के कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, एंड मेरे ऊपर अच्छे भी लगते हैं इस तरीके के कलर, है ना। कपड़ा रियॉन फैब्रिक में है और इसकी जो आस्तीन है वो फुल है। आपको ये इस तरीके के गले पैटर्न में दिया जाएगा। इसका काफ़ी अच्छा प्राइस है, 500 या 600 में है, और बहुत अच्छा सॉफ्ट कपड़ा है। मुझे ना वो चुभने वाले कपड़े अच्छे नहीं लगते। ये देखो, ये मेरा एम साइज ही है ना, आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे और भी साइज थे। तो ये है, और जो इसका वो है पैंट है वो आपको पैंट के में ही दिया जाएगा। इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें पॉकेट्स भी हैं, ये देखो, है ना। और ये भी बहुत सुंदर कपड़ा है, और पॉकेट्स एक ही है शायद, आई थिंक। और ये जो दुपट्टा है बिल्कुल कॉटन में है, आपको दिख ही रहा होगा, है ना। इसकी हम लेंथ आपको दिखाई दे रहे हैं, लेंथ कितनी है इसकी,
तो इसकी लेंथ देखिए काफी अच्छी है, चाहे आप इधर से देखें है ना, चाहे इधर से देखें, ये कलर भी अच्छा लग रहा है ना, तो मुझे ये कलर भी अच्छा लगा। ये देखो ये भी अच्छा लग रहा है, इसको मैं अभी कर लूंगी बाद में घड़ी। अच्छा उसके बाद फिर मैंने ना अपने लिए मंगाई थी जैकेट, जो कि ये है। कलर आप बताइएगा ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। और ये जैकेट भी काफी अच्छी प्राइस की मुझे मिल गई थी ना, तो ये भी 500 या 600 के अराउंड की है। ये मैरून कलर है, पहन के नहीं बता सकती, उसके लिए मुझे माफ करिएगा, सच में माफ करिएगा प्लीज, भगवान जल्दी ठीक कर दो मुझे खड़े होने लायक। खड़े तो होती हूँ पर जैसे ना मैं आप लोग को बता रही हूँ, अब देखिए 5-6 मिनट ऑलरेडी हो गया, तो 10-15 मिनट से ज़्यादा खड़ी नहीं हो पाती। उस बस मैंने कहा आराम से बैठ के और फिर बातें करूँगी। तो इसमें साथ आपको कैप भी बनाई जाएगी एंड आप लोगों को ये चैन वाली। इसके कलर ना बहुत सारे थे, मतलब जितने कलर होते सारे थे। और यहाँ पे ये 2 पॉकेट्स दिए जाएंगे जो कि आइट साइड के पॉकेट्स हैं। इसके बाद मैंने ये मंगाया है वाइट टोन, उसका 2 पेयर है। और ये 2 पेयर मैंने लिया तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पड़ा था, वरना एक लेती थोड़ा सा महंगा मिलता। सारे लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अच्छा कौन कहाँ गया मेरा यार। चलिए साथ ही हम करते हैं आज का हॉल वीडियो यहीं पे एड। अगर आपको हमारा आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, उम्मीद मुझे पूरी है आप लोगों से कि आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, मेरा बता दो थोड़ा सा मेरा वीडियो को लाइक करेंगे है ना, क्योंकि इस बुरे वक्त में मुझे आप लोगों का बहुत 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 सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए बाय बाय है ना, और हम मिलेंगे आपसे जल्दी अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। और कुछ भी लेना चाहते हैं आप इनमें से, हाँ वो ले सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। फोन बंद कर दो मेरा, लगे रहने देना, वहीं पे रख देना, बंद कर दो।